गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 12th क्लास केमिस्ट्री एंड वी वर डिस्कसिंग लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हमने लास्ट टाइम किया था EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है, इस तरह से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू शी, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, यानी जिस तरह से आप वेट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं ना, कैसे मेजर करते हैं, जैसे 1 किलो का बाट लेते हैं, ठीक है, 1 किलो का बाट लेते हैं, दूसरी साइड वेट रखते हैं, तो आपको इतना पता होता ना कि 1 किलो बाट में 1 किलो वज़न है, उस हिसाब से आप सब्जी तोल लेते हैं। इसी तरह से हम CH मतलब आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसको एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं, जैसे एक बाट की तरह, और दूसरी जगह हम वेट मेजर करते हैं, तो एक का हमें पता है यानी कि SHE का हमें पता है और दूसरे का हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, शी की हेल्प से। सबसे पहला आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड होता है एक, तो आपका स्टैंडर्ड, और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है एक दूसरा, और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेंगे हम, ठीक है, और नॉन स्टैंडर्ड में आपकी नर्नस इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड से हम नर्नस इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। आज हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब क्या होता है इसमें ऐसा स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हम पोटेंशियल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब एक रोड का ऑक्सीडाइज होने की क्षमता और रिड्यूस होने की जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, उसको हम मेजर करेंगे, ठीक है, और एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब कौन कौन सी होती हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोसफेयर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल, ये होती हैं आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस। इन पे जब हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो हो जाता है आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है, क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 एटमोसफेयर, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होता है। इन पे जब हम मेजर करते हैं क्या आपका पोटेंशियल, वो हो जाता है आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या में हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल, कौन किस में करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, SHE क्या है, ये है आपका, सबसे पहले क्या है, एक कंटेनर लिया गया और उसे हमने एक दूसरे कंटेनर में उल्टा करके रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्या रखा हुआ है, उल्टा करके, और इसमें इलेक्ट्रोड कौन सा यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन, यानी कि गैशियस इलेक्ट्रोड है इसमें। जब हम गैस को लिक्विफाई कर देते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, ठीक है, तब उसका इलेक्ट्रोड हम बना करके हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको उसके पार्टिकल जो हैं एक रॉड के ऊपर जब बैठ जाते हैं ना, यहाँ पे हम प्लेटिनम की रॉड ले लेते हैं, प्लेटिनम का एक पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर जब आपके हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बैठ जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, गैशियस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का, ठीक है, और सॉल्यूशन कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम इसमें, HCl, एसिडिक सॉल्यूशन लेना है हमको, इसमें क्या लेना है, एसिडिक सॉल्यूशन, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल, क्योंकि स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम इसमें क्या करते हैं,
एक वायर, इसको एक पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और इसको हम क्या बना देते हैं, एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं। हाइड्रोजन गैस को हमने हाइड्रोजन गैशियस इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह होता है आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, ज़ीरो। रिडक्शन पोटेंशियल 0.004 ये होता है इसका। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी ज़ीरो, रिडक्शन पोटेंशियल भी ज़ीरो होता है इसका। इसी के बेस पे हम दूसरा इलेक्ट्रोड लगा करके क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, एक साइड हम शी लेंगे, यानी कि एक साइड हम लेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है, और स्टैंडर्ड कंडीशन लगा करके, और दूसरी साइड हम दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेंगे कोई, ठीक है, और फिर दूसरे इलेक्ट्रोड की हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ शी। ये क्योंकि एक की पता है हमें, दूसरे की निकाल लेंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे, अब देखिए जरा इसको, ये तो बना हुआ है एक, तो दूसरा हम बना लेंगे, दूसरा हम बना लेंगे। क्या लिया था आपने, कॉपर सल्फेट लिया था लास्ट टाइम, गलवैनिक सेल की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसमें हमने कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट लिया था, ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट लिया था। यहाँ पर हम दोनों में से कुछ भी लेंगे, जिंक सल्फेट ले लेते हैं सपोज। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर ले ली हमने जिंक की रोड, ठीक है, और इनके बीच में सबसे पहले हमने लगाया है एक, क्या है ये, सॉल्ट ब्रिज, और इन दोनों को फिर हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। इस तरह से हम क्या बना लेंगे, एक पूरा सेल बन जाएगा, सेल की रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, जिसमें एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है स्टैंडर्ड वाला, दूसरा जिंक रोड है, ठीक है, दूसरा क्या है, जिंक रोड, ठीक है। अब जो आपका ये है, ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे क्या हो गया आपका, राइट हैंड साइड पे क्या होता है हमेशा, कैथोड, राइट हैंड साइड पे कैथोड और ये एनोड हो गया, ठीक है। लेफ्ट, ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों को, दो मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमें पता है और इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर रीडिंग के लिए हम गलवैनोमीटर लगा लेंगे, ठीक है, रीडिंग पता लग जाएगी हमको, ठीक है, गलवैनोमीटर लगा लेंगे, या फिर सोर्स को हटा करके हम बिना सोर्स अप्लाई किए हम गलवैनोमीटर में रीडिंग शो करेगा ये, ठीक है, और फिर उस रीडिंग के थ्रू हम इसका क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रोड मेजर कर लेंगे। हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के बेस पे आपको इसको अच्छी तरह से पता लग जाएगा। तो अगर अब इसका ईएमएफ कैलकुलेट करना हो आपको, ई नॉट ऑफ सेल कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, ई नॉट ऑफ सेल का क्या फार्मूला था लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ना, क्या डिस्कस किया था, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल SRP कैथोड का भी और एनोड का भी। एनोड पे भी हमने नेगेटिव ले लिया ना, या माइनस का साइन ले लिया, इसलिए SRP आ गया। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, ये ई नॉट सेल इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हमारे पास एनोड का तो है, यानी कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का ज़ीरो है और फिर कैथोड का कितना आ जाएगा, जितना ई नॉट है सेल का, ठीक है, इस तरह से हम कैथोड का कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखिए इसके बाद, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में कैसे करेंगे आप, क्वेश्चन में सेल दे दिया जाएगा आपको, प्लैटिनम और क्वेश्चन में क्या है आपका, जिंक और कॉपर दे दिया, चलो जिंक और कॉपर नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन वाला ही लेते हैं, H2 से H पॉजिटिव एक्वस में है, 1 मोलर है, और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज के बाद
दूसरी साइड क्या है आपका, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव Mg। देखो राइट हैंड ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको, ये ई नॉट निकालना है इस सेल का, ठीक है, या फिर ई नॉट अगर आपको गिवन है तो आपको कैथोड की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, ई नॉट ऑफ कैथोड, तो ई नॉट ऑफ कैथोड निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, मैग्नीशियम की रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है आपको, मैग्नीशियम का क्या निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है आपको यहाँ पर। और दिया क्या हुआ है आपको, ये रिप्रेजेंटेशन दी हुई है और ई नॉट ऑफ सेल दिया हुआ है, टोटल ई नॉट ऑफ सेल, टोटल ई नॉट कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 2.36 वोल्ट, ये वोल्ट मीटर की रीडिंग के थ्रू आपका ई नॉट आ रहा है, ठीक है, वोल्ट मीटर से पता लगता है ना EMF, तो वोल्ट मीटर से हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है और इसमें बताना है इसके ऊपर कितना क्या है रिडक्शन पोटेंशियल है इसका, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे क्या होता है आपका सेल में, जब रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या होता है राइट हैंड साइड पे, कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट का, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, यहाँ तक रिवाइज करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।